आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से ताल्लुक रखने वाले जो पीटीआई की लीडरशिप है उसने उसमें शिरकत की। जो अहम मौजूआत जिनके ऊपर गुफ्तगू हुई उनमें सबसे अहम पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का मामला था और वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की है कि जो अवामी राबता मुहिम है वो शुरू की जाए और जो पार्टी लीडरशिप है वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात की तैयारी के लिए जो शहर हैं और जो अज़ला हैं उनमें प्रोग्राम शेड्यूल दिए जाएं जिससे कि एक अवामी राबता मुहिम जो है वो शुरू की जा सके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मामला है वो महंगाई का, उसमें ज़ेर बहस आया। इससे पहले, इस कोर कमेटी मीटिंग से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास प्रोग्राम की मीटिंग जो है वो चेयर की, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब, सानिया निश्तर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना और चीफ सेक्रेटरीज और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने शिरकत की। और वज़ीर-ए-आज़म ने उस मीटिंग में वाज़ेह किया कि मुतवस्सत तबका जिस दबाव का शिकार है उसके हल के लिए फौरी इकदामात किए जाएँ और एहसास की जो सब्सिडी स्कीम है उसको बढ़ाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब एहसास प्रोग्राम की सब्सिडी स्कीम में हिस्सादार बनने को तैयार है। हम चाहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान भी इस स्कीम में हिस्सादार बने।